एक छोटे तोते का बच्चा पेड़ के खोखले घोंसले में सो रहा था और उसे संगीत की आवाज सुनाई देती है। वो बाहर आकर देखता है तो सभी पक्षियों के झुंड किसी तरह का उत्सव मना रहे थे, लेकिन तभी उन सभी पक्षियों को शिकारी पिंजरे में कैद करने लगते हैं और घबराहट में तोते का बच्चा नीचे गिर जाता है क्योंकि अभी वो उड़ने के लायक नहीं हुआ है और शिकारी उसे भी पकड़ कर बेच देते हैं। सभी पक्षियों को डिब्बे में पैक करके दूर शहर में ट्रक से ले जा रहे थे, लेकिन ट्रक किसी चीज से टकरा कर फिसल जाता है जिससे एक डब्बा रोड पर गिर जाता है और उसमें वही मकाऊ तोते का बच्चा था। और एक लड़की उसे उठाती है जिसका नाम है लिंडा। वो उसे अपने घर ले जाती है और अच्छे से उसकी देखभाल करती है। समय बीतता है और दोनों हो गए हैं। तोता इंसान के साथ रहकर इंसानों जैसा काम करता है, लेकिन इतने बड़े होने के बावजूद भी वो अभी तक उड़ नहीं सकता, इसलिए वो उड़ने की कोशिश करता है लेकिन उड़ने में असफल रहता है। लिंडा को जब ये बात पता चलती है तो ब्लू को रियो शहर में ले जाती है। ब्लू और उसकी साथी को एक काम करने वाला लड़का किडनैप करके शिकारियों को बेच देता है। अब ये शिकारियों से कैसे बचेंगे वो हम जानेंगे अगले पार्ट में, लेकिन इसके लिए आपको एक लाइक करना होगा।